नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मंत्रा में। माफी चाहूंगा, वीडियो थोड़ा देरी से अपलोड कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अर्बन गबरू के इस कलर शैम्पू का। ये प्रोडक्ट 10 से 15 मिनट में आपके सारे ग्रे बालों को, व्हाइट बालों को नेचुरल ब्लैक बालों में चेंज कर देता है। फिर चाहे वो आपके सर के बाल हों, चाहे वो आपकी बीड के बाल हों, तो इस वीडियो में हम करेंगे इसका डिटेल रिव्यू और जानेंगे कि कैसे इसको यूज करना है, कितना टाइम इसका इफेक्ट रहेगा और क्या इससे कोई हमें साइड इफेक्ट तो नहीं मिलेगा। सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों, मेरे हाथ में ये जो आप व्हाइट कलर का बॉक्स देख रहे हो, यही है वो अर्बन गबरू का कलर शैम्पू। चलिए पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इस बॉक्स के ऊपर अलग से एक लैमिनेशन कवरिंग दी होती है, तो चलिए पहले हम इस लैमिनेशन को रिमूव करते हैं। तो मैंने लैमिनेशन रिमूव कर दी है, चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को। तो ओपन करते ही इसमें आपको तीन चीजें मिलेंगी। पहली जो चीज है वो है ग्लव्स। तो इस पुड़िया के अंदर आपको ग्लव्स मिल जाएंगे, जो कि इस प्रोडक्ट को यूज करते वक्त अपने हाथों में डालने होते हैं। और दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर हमें चार पेयर ग्लव्स के मिल जाते हैं, लेकिन इस बॉक्स के ऊपर लिखा गया है कि आप इसको 5 बार यूज कर सकते हैं बालों में और 12 बार आप इसे यूज कर सकते हैं बीड में। और जो ग्लव्स के पेयर हमें मिल रहे हैं वो है सिर्फ 4। तो इस हिसाब से जब इस प्रोडक्ट को आप यूज कर लोगे तो जो ग्लव्स होंगे उसको आपको संभाल कर रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा ग्लव्स नहीं मिल रहे, सिर्फ 4 पेयर ग्लव्स ही मिल रहे हैं। तो ग्लव्स के अलावा इस बॉक्स में हमें 2 60-60 ml की प्लास्टिक की बॉटल्स मिल जाती हैं, जो कि बेसिकली अलग-अलग सॉल्यूशन होता है जिसको मिक्स करके हमने यूज करना होता है। जो पहला सॉल्यूशन हमें मिलता है, इसका नाम रखा है हेयर कलर डेवलपर शैम्पू। तो ये बेसिकली व्हाइट कलर का सॉल्यूशन है जिसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक रखा गया है, तो ये मिक्सिंग में बेस प्रोवाइड करता है। दूसरी बॉटल देखते हैं तो इसका नाम रखा है हेयर कलर शैम्पू, और इसका जो कलर है वो ब्लैकिश कलर का है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा लिक्विडिश रखा गया है, और ये बेसिकली आपके बालों को मेन कलर प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों, इस कलर शैम्पू को मैं अपनी बियर्ड पे एंड बालों पे यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप एक चीज जान लीजिए कि अगर आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है तो उस केस में आपने इस शैम्पू का यूज नहीं करना है। पहले ऑयल को रिमूव कर लेना है, उसके बाद ही इस शैम्पू को यूज कर लेना है। ब्रांड ने साफ साफ कहा है कि अगर आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है या कोई ग्रीसी प्रोडक्ट लगा हुआ है तो फिर इस शैम्पू का जो इफेक्ट है आपको सही देखने को नहीं मिलेगा। जो बाल है वो ड्राई होने चाहिए इस शैम्पू को यूज करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब मैं इसे यूज करता हूं अपनी बियर्ड पे और अपने सर के बालों पे। इस कलर को यूज करने की पहले की वीडियो मैंने एक रिकॉर्ड कर रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हो कि मेरी जो बियर्ड के बाल हैं वो काफी ज्यादा ब्राउनिश हैं, इसमें आपको ब्लैकिश बाल कम नजर आएंगे। और अगर मैं अपने सर के बालों की बात करूं तो मेरे सर के बाल भी पहले से ही ब्राउन है और इसमें आपको कुछ कुछ व्हाइट बाल भी नजर आएंगे, तो बालों में इतना कालापन नहीं है। चलिए अब हम यूज करते हैं इस कलर को और देखते हैं इसके इफेक्ट को। तो यूज करने के लिए सबसे पहले इसके साथ जो ग्लव्स दिए होते हैं आपने उनको पहन लेना है, उसके बाद किसी एक बोतल को उठाना है और उसका थोड़ा सा अमाउंट अपनी हथेली में डाल लेना है, फिर अपने दूसरी बोतल को उठाना है और उसका भी सेम अमाउंट अपनी हथेली में डाल लेना है, उसके बाद अपनी फिंगर टिप्स की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जैसे आप मिक्स कर लेते हो फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना, अप्लाई करना है ड्राई बालों पे। तो बियर्ड में अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली आपने इसकी अपसाइड डाउन मोशन में मसाज करनी है, ताकि ये जो कलर है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और ध्यान रखना है कि जो स्किन है वहां पे इसे यूज नहीं करना है, क्योंकि स्किन पे अगर ये लग जाएगा तो फिर ये दाग छोड़ देता है, जो कि आपको एक अच्छे क्लेंजिंग प्रोडक्ट से निकालना पड़ेगा। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से इस प्रोडक्ट को अप्लाई करना है और 2 से 3 मिनट तक अपने अच्छे से मसाज कर लेनी है, ताकि जो प्रोडक्ट है आपकी बियर्ड में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब मैंने इसे पूरी बियर्ड में अप्लाई कर लिया है, चलिए अप्लाई करते हैं इसे सर के बालों में। तो सेम जैसे बियर्ड पे यूज किया था वैसे ही आपने इसे सर के बालों पे यूज करना है। तो बेसिकली यहां भी आपने 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद जैसे ये पूरे बालों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर आपने इसे 10 मिनट तक वैसे ही छोड़ देना है, ताकि ये जो शैम्पू है अपना इफेक्ट शो कर पाए। और जैसे इसको अप्लाई किए हुए 10 मिनट हो जाते हैं उसके बाद आप वाटर की मदद से इसे रिमूव कर सकते हो। तो इसे रिमूव करने के लिए आपको अलग से कोई प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल वाटर से ही रिमूव हो जाता है। और रिमूव करने के बाद इसका जो इफेक्ट है वो आप साफ साफ देख सकते हो, आपके जो बाल हैं वो नेचुरल ब्लैक कलर में चेंज हो जाएंगे। दोस्तों, इस हेयर कलर को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, मैं ट्राई करता हूं उन क्वेश्चंस का आंसर देने का। पहला क्वेश्चन होगा कि इस कलर का जो इफेक्ट है वो कितना टाइम बालों में रहता है।
मतलब एक बार इस कलर शैम्पू को यूज करने के बाद कितने दिन हमें दोबारा इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अप्रोक्स 3 हफ्ते इसका इफेक्ट रहता है, मतलब एक बार इसको यूज करने के बाद आपको 3 हफ्तों तक दोबारा बालों को कलर करने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 हफ्ते बीत जाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो वापस से पहले वाले कलर में आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि इस कलर शैम्पू को कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो अर्बन गबरू ब्रांड है ये बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स मेंस के लिए बनाता है, तो ये प्रोडक्ट भी मेंस के लिए है और अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन में एक्नी हो रखी है या फिर आपकी स्कैल्प डैमेज हो गई है या फिर आपको एलर्जी है कलर से, उस केस में आपने इस कलर शैम्पू का यूज नहीं करना है। अगर आप यूज करोगे तो आपको साइड इफेक्ट्स जरूर नजर आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या इस कलर को यूज करना सेफ है। तो देखिए, इसमें अमोनिया का यूज नहीं किया हुआ, जो कि अच्छी बात है, मतलब आपके बालों को ये ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। और इसमें विटामिन सी का यूज किया हुआ है तो आपके बालों को ये थोड़ी बहुत नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर देगा। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स को अगर हम अच्छे से देखें तो इसमें यूज किया हुआ है मिनरल ऑयल का और सल्फेड का, जो कि बालों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो इस कलर शैम्पू का आप यूज कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आप बालों को प्रॉपर नॉरिशमेंट नहीं दोगे, मतलब एक अच्छा हेयर ऑयल नहीं यूज करोगे, एक अच्छा शैम्पू नहीं यूज करोगे, तो उस केस में आपके जो बाल हैं वो कमजोर पड़ सकते हैं और इवन हेयर फॉल भी स्टार्ट हो सकता है। तो मेरी एडवाइस है कि इस कलर शैम्पू को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ बालों को प्रॉपर नॉरिशमेंट भी देते रहना है। मतलब जो हेयर ऑयल आप यूज करते आ रहे हो या जो शैम्पू यूज करते आ रहे हो उसका भी साथ साथ यूज रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आप इस कलर शैम्पू को कितनी बार यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके बालों की लेंथ नॉर्मल है तो आप इसे सर के बालों पे 5 बार यूज कर सकते हैं और अपनी बीड के बालों पे 12 बार यूज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इसका एक बॉक्स ही काफी लंबा टाइम चल जाएगा। और अगला क्वेश्चन होगा कि इसका प्राइस क्या है। देखिए, इसकी 120 ml की ये जो पैकेजिंग है ये आती है 499 rupees की, मतलब ये पूरा बॉक्स आपको 500 rupees का पड़ जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए रहेंगे, वहां से अगर आप इसे खरीदोगे तो आपको ये और ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो लोग भी इस प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। जल्दी मिलेंगे एक और नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।